चलो आगे बढ़ते हैं सरफेस केमिस्ट्री के अगले और मोस्ट इंपॉर्टेंट और लास्ट पार्ट पर, कोलॉइड्स। बहुत ध्यान से समझना, बेसिक डेफिनेशन लिख रहा हूं मैं। कोलॉइड्स क्या होते हैं? तो लिखेंगे कोलॉइड्स आर हेटरोजीनियस सिस्टम इन विच वन सब्सटेंस जिसको हम बोलते हैं डीपी, फुल फॉर्म है इसका डिस्पर्स्ड फेज। ठीक है, कोलॉइड्स आर हेटरोजीनियस सिस्टम इन विच वन सब्सटेंस जिसको हम क्या बोल रहे हैं डिस्पर्स्ड फेज इज डिस्पर्स्ड एज वेरी फाइन पार्टिकल्स इन अनदर सब्सटेंस जिसको हम बोल रहे हैं डीएम, मतलब डिस्पर्जन मीडियम इज कॉल्ड कोलॉइड। मतलब सीधी सी कहानी है, कोलॉइड्स आर हेटरोजीनियस सिस्टम इन विच वन सब्सटेंस इज डिस्पर्स्ड एज वेरी फाइन पार्टिकल्स इन अनदर सब्सटेंस, और जो दूसरा सब्सटेंस है उसको डिस्पर्जन मीडियम बोल रहे हैं, और जो सब्सटेंस डिस्पर्स हो रहा है उसको डीपी बोल रहे हैं। मतलब सीधी सी कहानी है कि कोलॉइड एक ऐसा सिस्टम है, ऐसा हेटरोजीनियस सिस्टम है जिसमें एक सब्सटेंस डिस्पर्स होता है, जो होता है उसको बोलते हैं डिस्पर्स फेज, और जिसमें होता है उसको बोलते हैं डिस्पर्जन मीडियम। ठीक है, जैसे मान लो अपने पास हवाई हवा है, ठीक है, और अपन ने डस्ट उड़ा दी थोड़ी सी, तो डस्ट पार्टिकल जो है वो डीपी हो जाएंगे और बाकी का सिस्टम क्या हो जाएगा उसके लिए डिस्पर्जन मीडियम। मतलब सॉलिड इन गैस हम हेटरोजीनियस सिस्टम बोल सकते हैं। ठीक है, बस डिफरेंस क्या है कोलॉइड में, ट्रू सॉल्यूशन में क्या डिफरेंस है, जो अपने सॉल्यूशन के पार्टिकल्स होते थे उनका पार्टिकल साइज कम होता है और इनका पार्टिकल साइज उनसे थोड़ा ज्यादा होता है लेकिन सस्पेंशन से कम होता है। तो अगर मैं पार्टिकल साइज लिखूं किसका, ट्रू सॉल्यूशन का, जो अभी तक आप पढ़ते थे, तो ट्रू सॉल्यूशन कोलॉइड और सस्पेंशन, इनमें पार्टिकल साइज की वजह से ही इन तीनों को क्लासिफाई किया गया है। अगर मैं यहां पार्टिकल साइज के बारे में बात करूं तो ये लेस देन 1 नैनोमीटर होता है, कोलॉइड में 1 to 1000 नैनोमीटर होता है और सस्पेंशन में ग्रेटर देन 1000 नैनोमीटर होता है। ये है, तो पार्टिकल साइज के अकॉर्डिंग हम सॉल्यूशन को क्लासिफाई करते हैं। ट्रू सॉल्यूशन में लेस देन 1 नैनोमीटर, कोलॉइड में 1 to 1000 नैनोमीटर और सस्पेंशन में ग्रेटर देन 1000 नैनोमीटर होता है पार्टिकल साइज। इस तरीके से क्लासिफिकेशन होता है। अब हमें चलना है कोलॉइड्स के बारे में पढ़ना इस चैप्टर में, तो कोलॉइड का क्लासिफिकेशन कर लेते हैं। कोलॉइड का क्लासिफिकेशन 3 टाइप से किया जाता है। पहला क्लासिफिकेशन इसका है बेस्ड ऑन फिजिकल स्टेट। फिजिकल स्टेट के बेसिस पर क्लासिफाई कर सकते हैं, जैसे डीपी की स्टेट क्या हो, डीएम की स्टेट क्या हो। ठीक है, दूसरा होता है बेस्ड ऑन नेचर ऑफ इंटरेक्शन बिटवीन डीपी एंड डीएम। मतलब डीपी और डीएम का कैसा नेचर हो, दोनों एक दूसरे को चाहते हैं कि नहीं चाहते हैं। ठीक है, इस टाइप से हम बात करेंगे आगे। तीसरे नंबर पर बेस्ड ऑन टाइप ऑफ पार्टिकल्स ऑफ डीपी। डीपी के पार्टिकल के टाइप पर भी डिपेंड करता है कि किस टाइप का होगा। ठीक है, तो एक एक करके हम इन तीनों को डिस्कस करेंगे। पहले आप ये नोट कर लो, फिर हम पहला वाला स्टार्ट करने जा रहे हैं। लिख लो पहले आराम से। चलो तो आगे बढ़ते हैं और बेस्ड ऑन फिजिकल स्टेट स्टार्ट कर रहे हैं अपन। जो क्लासिफिकेशन है डीपी डीएम कोलॉइड और एग्जाम्पल्स भी लिखने इसके, किस तरीके से याद रखना है टेबल, बहुत आसान है याद रखना। देखो सबसे पहले आप क्या करो, यहां पर लिख लो सॉलिड, लिक्विड, गैस, इस तरीके से। और यहां अल्टरनेट कर दो, इधर तो 3 सॉलिड 3 लिक्विड और 2 गैस लिख दिए, यहां अल्टरनेट सॉलिड लिक्विड गैस और
लिक्विड। गैस का गैस में होमोजीनियस मिक्सचर होता है, इसलिए उसको हम कोलाइड कंसीडर नहीं करते हैं। ठीक, अब यहां पर क्या बनता है कोलाइड, उसका नाम लिखो। यहां बनता है सॉलिड सॉल, यहां सॉल, एरोसॉल, जेल, इमल्सन, एरोसॉल अगेन, सॉलिड सॉल और लास्ट वाला होता है फोम। अब इसको कैसे याद रखोगे, इसको ऐसे याद रखोगे, सॉलिड सॉल, सॉल, एरोसॉल, जेल, इमल्सन, एरोसॉल, सॉलिड सॉल और फोम। इसको कैसे याद रखना है वो देखना, इसको ऐसे याद रखना, सोनाक्षी सिन्हा, सोनाक्षी सिन्हा, इन तीनों को मिला के लिख रहा हूं मैं आगे, ठीक है, ए जी ई, ठीक है, और ये हो गया सोनाक्षी सिन्हा, आगे आकर, ठीक, शर्माते हुए, और एफ मतलब फिसल गई। इस तरीके से याद कर लेना, सोनाक्षी सिन्हा आगे आकर शर्माते हुए फिसल गई, तो ये याद हो जाएंगे आपको। इनके एग्जाम्पल मोस्ट कॉमन एग्जाम्पल ही लिखेंगे अपन जो एनसीईआरटी में गिवन है अपन को, है ना, बहुत आसान आसान से एग्जाम्पल है वो अपन लिखते जाएंगे। जैसे सॉलिड सॉल में आता है सम कलर्ड ग्लासेस, सम कलर्ड ग्लासेस, ठीक है, जो कलर्ड ग्लास होते हैं ना आपने देखे होंगे घरों में रखे रहते हैं, सम कलर्ड ग्लासेस, ठीक है, जेमस्टोन्स जो होते हैं जो चमकते हैं पत्थर उस टाइप के, तो ये होगा एग्जांपल इसके। सॉलिड इन लिक्विड, ठीक है, इसमें होते हैं आपका पेंट हो गया, ठीक, पेंट आपको अच्छे से याद होता है, सेल फ्लूइड जो होता है वो होता है सॉल फ्लूइड, ठीक है। और देखो जरा, सॉलिड इन गैस एरोसॉल, ठीक है, इसमें आता है स्मोक, डस्ट पार्टिकल, भाई डस्ट पार्टिकल या स्मोक जो है वो हवा में जा रहा है, तो गैस उसमें डिस्पर्जन मीडियम हो गया और सॉलिड क्या हो गया, डिस्पर्स फेज हो गया, स्मोक हो गया, डस्ट हो गया, स्टॉर्म हो गया, तो ये किस में आ गए, सॉलिड इन गैस। जेल आप लोगों ने खाई है, जेली, जेलीज हो गई, चीज हो गया, बटर हो गया, कर्ड हो गया, ठीक है, तो इसमें क्या होता है, लिक्विड इन सॉलिड, ये थोड़े से थिक थिक टाइप के भी होते हैं, ठीक है, थिक होते हैं थोड़े से, लेकिन इसको अपन किस में रखते हैं, जेल में रखते हैं। इमल्सन में अगर मैं बात करूं तो ब्लड, ठीक, मिल्क, ये इमल्सन होता है, ठीक है, ब्लड हो गया, मिल्क हो गया, ये इमल्सन में आता है। लिक्विड इन गैस एरोसॉल, देखो ये दोनों एरोसॉल अलग अलग टाइप की हैं, ये वाली जो एरोसॉल है वो लिक्विड इन गैस मतलब ठंडी वाली एरोसॉल, जैसे फॉग हो गया, मिस्ट, क्लाउड, तो ये किस में आ गए अपने, ठंडी वाली एरोसॉल में, ठीक है। सॉलिड सॉल मतलब गैस इन सॉलिड, देखो सॉलिड सॉल इसमें क्या होता है, प्यूमाइस स्टोन जो होते हैं, प्यूमाइस स्टोन, ठीक है, एक आपने देखा होगा बाथरूम में यूज करते हैं जिससे अपन हाथ पैर वगैरह रगड़ते हैं, ठीक है, वो एक पत्थर होता है उसको बोलते हैं प्यूमाइस स्टोन, ठीक। गैस इन लिक्विड फॉर्म, इसका एग्जाम्पल देखो, फ्रथ हो गया, भाई फ्रत कैसे बनता है, पानी से झाग बनता है ना, मतलब एयर के पार्टिकल्स चले जाते हैं किसमें, डीपी में, और ये क्या होता है, डिस्पर्जन मीडियम, आपका लिक्विड हो गया, फ्रत हो गया, व्हिप्ड क्रीम हो गई, केक के ऊपर जो क्रीम लगी होती है उसको बोलते हैं अपन, ठीक है, तो इस टाइप के एग्जांपल्स इसमें होते हैं, तो ये एग्जांपल्स आपको डायरेक्ट याद भी रखने हैं, ठीक, तो इसको नोट कर लो फिर अपन आगे बढ़ते हैं। तो अब आगे बढ़ते हैं, सेकेंड नंबर पर चलते हैं। पहला वाला हमारा हो गया था फिजिकल स्टेट पर बेस, जो अपना क्लासिफिकेशन था वो कर लिया था हमने। अब चलते हैं नेचर ऑफ इंट्रैक्शन ऑफ डीपी एंड डीएम, डिस्पर्स फेज और डिस्पर्जन मीडियम के जो पार्टिकल्स हैं वो किस तरीके से इंट्रैक्ट करते हैं, उसके बेसिस पर हम क्लासिफाई कर रहे हैं लायोफिलिक और लायोफोबिक सॉल को। सॉल यहाँ इसलिए बोल रहे हैं क्योंकि यहाँ जो डिस्पर्स फेज है वो सॉलिड होगा और डिस्पर्जन मीडियम लिक्विड होगा। अब सीधी सी बात है, लायोफिलिक का मतलब होता है सॉल्वेंट लविंग,
और लायोफोबिक मतलब सॉल्वेंट हेटिंग. सॉल्वेंट लविंग का मतलब यहां पर डिस्पर्जन मीडियम लविंग बोलेंगे और यहां डिस्पर्जन मीडियम हेटिंग बोलेंगे. ठीक, मतलब इनमें जो अपने पास डीपी है और डीएम है उसके पार्टिकल आपस में इंटरेक्ट करते हैं अच्छे से. मतलब डीपी जो है वो लविंग है किसके लिए, डीएम के लिए, और यहां पर हेटिंग है. ठीक है, अब अगर मैं यहां पर बोलता हूं हाइड्रोफिलिक, इसका मतलब डिस्पर्जन मीडियम क्या है आपका, वाटर. यहां बोलता हूं हाइड्रोफोबिक तो डिस्पर्जन मीडियम क्या है आपका, वाटर. ठीक है, तो उस तरीके से भी हम लिख सकते हैं, हाइड्रोफिलिक हाइड्रोफोबिक भी बोल सकते हो अगर तुम्हारा डिस्पर्जन मीडियम क्या है, वाटर है तो. ठीक, अब अपन क्लासीफाई कर रहे हैं इसको, तो इनका डिफरेंस लिख रहे हैं. तो पॉइंट नंबर वन क्या कहता है इसमें, लायोफिलिक सॉल में ध्यान से लिखना, दीज सॉल्स आर प्रिपेयर्ड बाय सिंपल मिक्सिंग ऑफ डीपी एंड डीएम. क्योंकि ये लायोफिलिक नेचर के हैं, डीपी के पार्टिकल लविंग हैं किसके लिए, डीएम के पार्टिकल से. ये सिंपल मिक्सिंग से प्रिपेयर हो जाते हैं. और यहां पहला पॉइंट लिख रहा हूं, प्रिपेयर्ड बाय सम स्पेशल मेथड्स. और इसके बारे में हम आगे मेथड ऑफ प्रिपरेशन ऑफ कोलॉइड में हम पढ़ेंगे. ठीक है, तो स्पेशल मेथड से ये बनाए जाते हैं. सेकंड पॉइंट ये है. अच्छा, एक बात और है कि जो डीपी और डीएम का मिक्स किया आपने, डिस्पर्स फेज और डिस्पर्जन मीडियम को जब आपने मिक्स किया तो जो सॉल बना, उस सॉल को आप सेपरेट भी कर सकते हो. ठीक है, बाय द मीन ऑफ एवेपोरेशन वगैरह इस टाइप से, है ना. मीन्स आप क्या कर सकते हो, डीपी को डीएम से सेपरेट कर सकते हो. इसलिए यहां पर हम बोलते हैं रिवर्सिबल सॉल. तो सेकंड पॉइंट में क्या लिखूंगा मैं, ये क्या होता है, रिवर्सिबल होता है. कैसा होता है ये, रिवर्सिबल. डीपी और डीएम को सेपरेट किया जा सकता है अलग अलग. जबकि यहां पर हम लिखेंगे ये क्या है, इररिवर्सिबल है. इसमें आप डीपी और डीएम को सेपरेट नहीं कर सकते हो. ठीक है, पॉइंट नंबर थ्री, ये स्टेबल होते हैं क्योंकि ये सॉल्वेंट लविंग नेचर के हैं, मतलब डिस्पर्जन मीडियम लविंग नेचर के हैं जो डीपी के पार्टिकल हैं. तो ये स्टेबल होता है और ये क्या है, अनस्टेबल. स्टेबल और अनस्टेबल को हम एक और वर्ड से यहां पर डिफाइन करते हैं, प्रिसिपिटेशन. मतलब ये वाले इजिली प्रिसिपिटेट हो जाते हैं इसलिए अनस्टेबल हैं, और ये वाले इजिली प्रिसिपिटेट नहीं होते हैं इसलिए ये स्टेबल हैं. प्रिसिपिटेशन को इस चैप्टर में हम कोआगुलेशन का नाम भी देते हैं जो कि हम आगे पढ़ेंगे. तो ये इजिली कोआगुलेटेड हो जाते हैं और ये आसानी से कोआगुलेट नहीं होते हैं. मतलब आप प्रिसिपिटेट समझ लो एक तरीके से. अभी कोआगुलेशन वाला वर्ड जो अभी मैंने बोला वो बाद में आएगा आपके पास. अगला पॉइंट है पॉइंट नंबर फोर, विस्कोसिटी इज ग्रेटर देन डिस्पर्जन मीडियम. मतलब जो ये सॉल बना डीपी को डीएम में मिलाया, तो एक्चुअल में यहां पर क्या होता है, एक्सटेंसिव हाइड्रेशन होता है एक तरीके से. ठीक है, मतलब आपका यहां पर सॉल्वेशन होता है. तो जिस वजह से सॉल्यूट के, मतलब डीपी के पार्टिकल सॉल्वेंट मतलब डीएम के पार्टिकल से इंटरेक्ट करते हैं, और इंट्रैक्शन करते हैं, इसका मतलब विस्कोसिटी क्या हो जाती है, बढ़ जाती है ड्यू टू एक्सटेंसिव हाइड्रेशन या सॉल्वेशन. ठीक है, और यहां पर ऐसा कुछ नहीं होता है तो हम क्या बोलते हैं फोर्थ नंबर पे, विस्कोसिटी इज सेम एज दैट ऑफ डीएम. डिस्पर्जन मीडियम के नियरली इक्वल होती है विस्कोसिटी. पॉइंट नंबर फाइव क्या कहता है, अगर विस्कोसिटी ज्यादा है तो हम बोलेंगे सरफेस टेंशन कम है हाइड्रेशन की वजह से या सॉल्वेशन की वजह से. तो सरफेस टेंशन इज लेसर देन डीएम. जबकि यहां पर ऐसा कुछ होता नहीं है तो सरफेस टेंशन सेम होती है. तो सरफेस टेंशन इज सेम एज दैट ऑफ डीएम. सरफेस टेंशन डीएम के जो है वो इक्विवेलेंट ही होती है. मतलब जो आपका यहां सॉल बन रहा है लायोफोबिक सॉल और जो डीएम है उसकी सरफेस टेंशन सेम है, विस्कोसिटी सेम है. जबकि यहां विस्कोसिटी बढ़ जाती है क्योंकि इंटरेक्शन अच्छा होता है मॉलिक्यूल के बीच में, किसके, डीपी और डीएम के, और सरफेस टेंशन कम हो जाती है. कुछ एग्जांपल्स अगर मैं लिखूं तो यहां पर तुम्हारे पास मिलेंगे ऑर्गेनिक कंपाउंड्स. यहां मिलेंगे ऑर्गेनिक कंपाउंड्स लाइक स्टार्च, सेल्यूलोज, जिलेटिन, गम, ईटीसी. ठीक है, यहां ऑर्गेनिक आपको मिलेंगे जबकि यहां पर इनऑर्गेनिक कंपाउंड्स मिलते हैं आपको. ठीक है, या मेटल्स वगैरह मिलेंगे. इनऑर्गेनिक
इनऑर्गेनिक कंपाउंड्स, ठीक है, एग्जांपल्स में मैं लिख रहा हूं, लाइक मेटल्स ले सकते हो आप, है ना, मेटल्स, मेटल सल्फाइड, हाइड्रोक्साइड, ऑक्साइड वगैरह, ठीक है, मेटल सल्फाइड्स ईटीसी, ऑक्साइड हाइड्रोक्साइड ईटीसी, ठीक है। तो ये डिफरेंस हो गया बेसिक लायोफिलिक और लायोफोबिक में। एक बार फिर से बता देता हूं क्या होता है। लायोफिलिक का मतलब होता है डीएम लविंग, लायोफोबिक का मतलब होता है डीएम हेटिंग। अगर तुम्हारा डीएम डिस्पर्जन मीडियम पानी है तो हम इसको बोल देंगे हाइड्रोफिलिक और इसको बोल देंगे हाइड्रोफोबिक, ठीक है। सेकंड पॉइंट देखो, ये रिवर्सिबल होता है, ये इरिवर्सिबल होता है। रिवर्सिबल क्यों होता है? क्योंकि डीपी को डीएम से सेपरेट कर सकते हो, जबकि यहां पर डीपी डीएम को सेपरेट नहीं कर सकते हैं, ठीक। ये सिंपल मिक्सिंग से बनते हैं, ये स्पेशल मेथड से बनते हैं, ठीक। ये स्टेबल होते हैं, ये अनस्टेबल होते हैं, क्योंकि इसमें सॉल्वेशन होता है, इसमें नहीं होता है। यहां विस्कोसिटी ज्यादा होती है, यहां विस्कोसिटी सेम होती है। यहां सरफेस टेंशन कम होता है, यहां सरफेस टेंशन सेम होता है। ये ऑर्गेनिक कंपाउंड होते हैं, ये इनऑर्गेनिक होते हैं। ऑर्गेनिक में जैसे स्टार्च, प्रोटीन, सेल्यूलोज, ठीक है, इस टाइप के, जबकि यहां पर मेटल, मेटल सल्फाइड, ऑक्साइड, हाइड्रोक्साइड, इस टाइप के मिलेंगे आपको। समझ गए बात को, इसको नोट करो, फिर थर्ड क्लासिफिकेशन पर हम चलेंगे। आगे बढ़ते हैं, अब थर्ड नंबर पे चलते हैं, लास्ट क्लासिफिकेशन है हमारा, मल्टीमॉलिकुलर, मैक्रोमॉलिकुलर और एसोसिएटेड कोलाइड बेस्ड ऑन टाइप ऑफ पार्टिकल्स, ठीक है। तो होता क्या है, मल्टीमॉलिकुलर में क्या होते हैं, स्मॉल मॉलिक्यूल्स होते हैं, ठीक है, स्मॉलर एटम होते हैं, जो एग्रीगेट होते हैं, इकट्ठे होते हैं और एक ऐसी स्पीसी बनाते हैं जिसका साइज कोलाइडर रेंज में आता है, 1 से 1000 नैनोमीटर के अंदर आता है। मैक्रोमॉलिक्यूल मतलब बड़े मॉलिक्यूल होंगे, जैसे प्रोटीन वगैरह, पॉलीमर वगैरह, ठीक है, वो भी इस टाइप की स्पीसी बनाएंगे जिसमें साइज कोलाइडर रेंज में आ जाएगा। एसोसिएटेड कोलाइड थोड़े अलग टाइप के होते हैं, इसको अपन मिसेल्स वगैरह बोलते हैं, आपने अगर पढ़ा हो बचपन में तो, है ना। तो इन सबको क्लासीफाई कर लेते हैं अपन अच्छे से। तो डेफिनेशन देखना क्या होती है, ऑन डिजोल्यूशन, ऑन डिजोल्यूशन एटम्स और स्मॉलर मॉलिक्यूल्स, और स्मॉलर मॉलिक्यूल्स आर एग्रीगेट टुगेदर टू फॉर्म अ स्पीसी हैविंग साइज इन कोलॉइडल रेंज, मतलब 1 से 1000 नैनोमीटर के बीच में। जैसे अगर मैं एग्जांपल के तौर पे आपको समझाऊं, तो गोल्ड के बहुत सारे आइटम इकट्ठे होते हैं जब डिजोल्यूशन करवाया जाता है डीएम में, तो बहुत सारे आइटम इकट्ठे होते हैं, तो उनका जो एक स्पीसी बनती है उसका जो साइज है वो 1 से 1000 नैनोमीटर के अंदर आता है। तो गोल्ड हो गया, ठीक है। अगर एसिड के मॉलिक्यूल की बात करें तो 1000 और उससे ज़्यादा मॉलिक्यूल, बहुत सारे मॉलिक्यूल इकट्ठे होते हैं, तो एक स्पीसी बनती है जिसका साइज 1 से 1000 नैनोमीटर के बीच में होता है, कोलाइडल रेंज में होता है। तो ये इसके क्या लिख दिए मैंने, एग्जांपल्स लिख दिए। मैक्रोमॉलिक्यूल्स क्या होते हैं, मैक्रोमॉलिक्यूल्स, मैक्रोमॉलिक्यूल्स लाइक प्रोटीन्स एंड पॉलीमर्स, ठीक है, स्टार सेलुलोज, ये सब है ना, आर एग्रीगेट, एग्रीगेट टुगेदर मतलब इकट्ठे होते हैं एक जगह, है ना, एग्रीगेट टुगेदर टू फॉर्म अ स्पीसी हैविंग साइज इन कोलोइडल रेंज, ठीक है। कोलोइडल रेंज क्या है, 1 से 1000 नैनोमीटर के बीच में। कुछ तो आपके पास नेचुरली अकरिंग मैक्रोमॉलिक्यूल हैं, जैसे स्टार्च हो गया, एग्जांपल के तौर पे स्टार्च, सेल्यूलोज, प्रोटीन्स, एंजाइम्स, ठीक है। और कुछ आपके पास मैनमेड होते हैं, जैसे पॉलीमर्स, पॉलीमर में बात करूं तो पॉलीथीन, पॉलीथीन हो गया, ठीक है, और टेफ्लॉन, रबर,
ठीक है, नेचुरल रबर या फिर सिंथेटिक रबर ईटीसी। तो ये क्या है, मैनमेड है, और ये क्या है, नेचुरली अकरिंग है। तो मैक्रोमॉलिक्यूल क्या होता है, बहुत बड़े बड़े मॉलिक्यूल, जैसे आपके पास पॉलीसेक्राइड बोल दो आप, ठीक है, या पॉलीमर बोल दो, तो बहुत सारे मॉलिक्यूल इकट्ठे होते हैं और एक स्पीसी बनती है जिसका साइज कोलाइडल रेंज में होता है। ये बड़े मॉलिक्यूल होते हैं, बहुत बड़े बड़े, और यहाँ स्मॉलर मॉलिक्यूल या एटम्स होते हैं, इसलिए इसको मल्टी मॉलिक्यूलर बोलते हैं, इसको मैक्रो मतलब बड़ा, ठीक है। एसोसिएटेड कोलाइड क्या होते हैं, ये थोड़ा स्पेशल केस है, अलग टाइप का, ध्यान से देखना इसमें क्या लिख रहा हूँ डेफिनेशन। सम सब्सटेंसेस एट लोअर कॉन्सेंट्रेशन बिहेव एज नॉर्मल स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट। जब उसकी कॉन्सेंट्रेशन कम होती है तो नॉर्मल स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट की तरह बिहेव करता है, बट एग्जिबिट्स कोलोइडल बिहेवियर एट हायर कॉन्सेंट्रेशन। अब ये जो कोलोइडल बिहेवियर एग्जिबिट कर रहे हैं हायर कॉन्सेंट्रेशन पर, ये किस वजह से कर रहे हैं, बहुत सारे मॉलिक्यूल उस इलेक्ट्रोलाइट के इकट्ठे होते जाते हैं और एक ऐसी स्पीसी बनाते हैं जिसका साइज कोलोइडल रेंज में आ जाता है, इसलिए हम बोलते हैं कि ये एसोसिएटेड कोलोइड है, मतलब इकट्ठे हो रहे हैं, जुड़ रहे हैं बहुत सारे। नॉर्मल स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट जो था पहले अपना लोअर कॉन्सेंट्रेशन पे, जब आप उसकी कॉन्सेंट्रेशन बढ़ाओगे तो बहुत सारे मॉलिक्यूल इकट्ठे होते जाएंगे, और बहुत सारे मॉलिक्यूल इकट्ठे होंगे तो वो कोलोइडल बिहेवियर एग्जिबिट करेंगे, ठीक है। एक पॉइंट ये, दूसरा पॉइंट ये लिख रहा हूं, द एग्रीगेट दस फॉर्म्ड, भाई जब आप कॉन्सेंट्रेशन बढ़ाओगे ना तो इकट्ठे होते जाएंगे मॉलिक्यूल, इसको एग्रीगेट बोलते हैं अपन, है ना। तो ये कह रहे हैं ना, बट एग्जिबिट कोलाइडल बिहेवियर एट हायर कॉन्सेंट्रेशन, मतलब मॉलिक्यूल बढ़ते जा रहे हैं, ठीक। तो जो एग्रीगेट बन रहा है उसके बारे में बता रहा हूं, द एग्रीगेट दस फॉर्म्ड इज कॉल्ड मिसेल्स। जो एग्रीगेट बनता है उसको हम क्या बोलते हैं, मिसेल्स बोलते हैं, ठीक है। पॉइंट नंबर थ्री, द मिसेल्स आर फॉर्म्ड अबव अ पर्टिकुलर कॉन्सेंट्रेशन जिसको हम बोलते हैं CMC, मतलब क्रिटिकल मिसेल कॉन्सेंट्रेशन CMC, एंड अबव अ पर्टिकुलर टेम्परेचर, और इसको बोलते हैं अपन TK, क्राफ्ट टेम्परेचर है, ठीक है। तो जो CMC होता है, CMC जो सोप मॉलिक्यूल के लिए अपन बोलते हैं, क्योंकि यहाँ पर सोप मॉलिक्यूल होते हैं आपके, ठीक है, जो आपको यहाँ इलेक्ट्रोलाइट बोला वो सोप मॉलिक्यूल है। तो जो CMC है सोप मॉलिक्यूल की, वो 10^-4 से 10^-3 के बीच में होती है, ठीक है, इस पर मिसेल बनता है। और TK का फुल फॉर्म क्या है, TK को बोलते हैं क्राफ्ट टेम्परेचर, ठीक है, ये ध्यान रखना। और CMC क्या है आपकी, क्रिटिकल मिसेल कॉन्सेंट्रेशन, CMC का फुल फॉर्म, ठीक है। तो ये वाली बात हो गई। तो फिर से बता देता हूँ सारी चीज़ें, तीन टाइप के हम यहाँ पर क्लासिफिकेशन कर रहे हैं, मल्टी, मैक्रो एंड एसोसिएटेड। मल्टी मॉलिकुलर क्या होते हैं, एटम्स होते हैं या स्मॉल मॉलिक्यूल्स होते हैं जो इकट्ठे होकर एक ऐसी स्पीसी बनाते हैं जो कोलाइडल बिहेवियर दिखाती है, कोलाइडल रेंज में आता पार्टिकल साइज उसका, जैसे गोल्ड एसेट वगैरह। मैक्रो मॉलिक्यूल में क्या होते हैं, ये डायरेक्ट ध्यान रखना, सीधा आपसे एग्जांपल में क्वेश्चन पूछ सकते हैं सीधा, है ना, एग्जाम में। मैक्रो मॉलिक्यूल कौन सा है, मल्टी मॉलिक्यूल कौन सा है, बहुत आसान है। मैक्रो मॉलिक्यूल में क्या आएंगे, पॉलीमर्स आएंगे और पॉलीसेक्राइड्स वगैरह, मतलब स्टार्च, सेलुलोज, प्रोटीन, एंजाइम वगैरह, और ये पॉलीमर्स होते हैं आपके, ये आएंगे। एसोसिएटेड कोलाइड में क्या होते हैं, कुछ सब्सटेंस ऐसे होते हैं जैसे सोप मॉलिक्यूल, वो जब लोअर कॉन्सेंट्रेशन होती है तो नॉर्मल स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट की तरह बिहेव करते हैं, लेकिन जब उनकी कॉन्सेंट्रेशन हम बढ़ाते जाते हैं तो फिर वो कोलोइडल बिहेवियर दिखाने लगते हैं। बहुत सारे मॉलिक्यूल इकट्ठे होते हैं तो उसको हम एग्रीगेट बोलते हैं, और उस एग्रीगेट का नाम होता है यहाँ पर मिसेल। और वो जो एग्रीगेट फॉर्मेशन है वो एक पर्टिकुलर टेम्परेचर के ऊपर और पर्टिकुलर कॉन्सेंट्रेशन के ऊपर ही होता है, ठीक है।
इसके बारे में अब हम डिटेल में भी डिस्कस करेंगे। किसके बारे में? एसोसिएटेड कोलॉइड के बारे में हम ये समझेंगे कि मिसेल फॉर्मेशन कैसे होता है, तो और ज्यादा आपको अच्छे से क्लियर होगा। ठीक है, इसको नोट करो, फिर आगे बढ़ते हैं। चलो आगे बढ़ते हैं और एसोसिएटेड कोलॉइड को और डिस्कस करते हैं जिसमें मिसेल बनती थी। अब आप ध्यान से देखना जरा कि मिसेल फॉर्मेशन की मैकेनिज्म क्या होती है। एक्चुअल में सोप के मॉलिक्यूल होते हैं, उसको हम पानी में डालते हैं तो मिसेल फॉर्मेशन होती है। ठीक है, तो पहली बात तो सोप के मॉलिक्यूल क्या होते हैं, तो पहला पॉइंट मैं यहां लिख रहा हूं, सोप कंसिस्ट ऑफ सॉल्ट ऑफ फैटी एसिड्स। फैटी एसिड्स क्या होते हैं? ये हायर कार्बोक्सिलिक एसिड के सॉल्ट हैं एक तरीके से। ठीक है, जो आपके सोप के मॉलिक्यूल हैं, जैसे एग्जांपल के तौर पर अगर मैं लिखूं तो सोडियम, सोडियम स्टीयरेट होता है C17H35COON। ये सोप के मॉलिक्यूल में प्रेजेंट रहता है। ठीक है, सोडियम स्टीयरेट, तो ये क्या है? सोडियम सॉल्ट है, फैटी एसिड का मतलब हायर कार्बोक्सिलिक एसिड है। अब एक्चुअल में इसमें दो पार्ट होते हैं। ठीक, तो पॉइंट नंबर टू में मैं क्या लिख रहा हूं, सोडियम स्टीयरेट हैज टू पार्ट्स। दो पार्ट हम इसमें डिस्क्राइब कर रहे हैं। कैसे? फर्स्ट वन इज लायोफिलिक और सॉल्वेंट हमारा जो मीडियम होगा वो क्या है? पानी है, तो हम उसको हाइड्रोफिलिक बोल सकते हैं, हाइड्रोफिलिक, लायोफिलिक या हाइड्रोफिलिक हेड, लायोफिलिक या हाइड्रोफिलिक हेड होता है। हेड मतलब जो CO माइनस वाला पार्ट है। और सेकंड होता है लायोफोबिक या हाइड्रोफोबिक टेल। तो लायोफिलिक हेड क्या है? ये है आपके पास COO माइनस वाला पार्ट, क्योंकि ये वाटर पोलर होता है और ये पोलर एंड हो गया। ठीक है, और टेल क्या हो गया? आपका बाकी का पार्ट C17H35, ये वाला पार्ट हम क्या बोल सकते हैं इस वाले पार्ट को? हाइड्रोफोबिक, लॉन्ग हाइड्रोकार्बन की चेन। इसको मैं आपको एक बार बना के भी बता देता हूं कैसा। 17 कार्बन मुझे बनाने, तो 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17। ठीक है, और यहां पर लगा है क्या? COO नेगेटिव, तो इसको बोल रहे हैं हम हाइड्रोफोबिक। ठीक है, तो एक कार्बन, दो कार्बन, ऐसे में थोड़ा सा पॉइंट बना देता हूं ताकि समझ में आ जाए कार्बन है। 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17। ठीक है, तो ये जो आपको दिख रहा है कौन सा पार्ट? ये वाला जो मैंने ये वाला पार्ट बनाया है, ठीक है, बड़ा मजा आता है इसको बनाने, देखो ऐसा। तो ये वाला जो पार्ट है ये हो गई लॉन्ग हाइड्रोकार्बन चेन। ये हाइड्रोफोबिक नेचर की है, और ये क्या हो गया? ये चेन बोलो या इसको टेल बोलो, लॉन्ग हाइड्रोकार्बन टेल हो गई है। और ये क्या हो गया? हाइड्रोफिलिक हेड मतलब COO माइनस वाला पार्ट हो गया। तो सोप के बारे में बता रहा था मैं, सोप क्या होता है? ये फैटी एसिड है, यहाँ डबल टी। तो जो सोप के मॉलिक्यूल हैं वो क्या है? फैटी एसिड होते हैं। फैटी एसिड क्या होता है? हायर कार्बोक्सिलिक एसिड का सॉल्ट होता है। उसमें दो पार्ट होते हैं, हाइड्रोफिलिक पार्ट और हाइड्रोफोबिक पार्ट। हाइड्रोफिलिक पार्ट को बोलते हैं अपन कौन सा? हेड पार्ट। और हाइड्रोफोबिक क्या होता है? टेल वाला पार्ट। मतलब लॉन्ग हाइड्रोकार्बन की जो चेन है वो क्या है? हाइड्रोफोबिक नेचर की है, और जो हेड है वो क्या? हाइड्रोफिलिक नेचर का है। बहुत सिंपल सा, ठीक है। अब जैसे ही हम सोप के मॉलिक्यूल को पानी में डालते हैं तो क्या होता है उसके बारे में हम देखेंगे। तो मैं डायग्राम से आपको अच्छे से बना के बता देता हूँ, क्लियरली आपको समझ में आ जाएगा। देखना ध्यान से, अपने पास कंटेनर है एक, और इस कंटेनर में मैं सोप के मॉलिक्यूल डालूंगा। ठीक है, ध्यान से देखते जाना। ये हो गया मेरे पास कंटेनर, ठीक है, और इसमें पानी भरा हुआ है। इसमें क्या भरा हुआ है? पानी भरा हुआ है।
अब इसमें हम क्या करेंगे, सोप के मॉलिक्यूल डालेंगे और उसकी कॉन्सेंट्रेशन को बढ़ाते जाएंगे, क्योंकि हायर कॉन्सेंट्रेशन पर ही ये एग्जिबिट करता है कोलोइडल बिहेवियर, ये तो आपको पता ही है, ठीक है, ध्यान से देखना। तो ये सोप के मॉलिक्यूल आ रहे हैं, ये आ रहे हैं, ये आए, ये तो सोप के मॉलिक्यूल कहाँ आ रहे हैं, ये जैसे जैसे हम कॉन्सेंट्रेशन बढ़ाते हैं और कॉन्सेंट्रेशन सीएमसी से ज़्यादा होती है तो हम क्या करते हैं, ये सोप के मॉलिक्यूल को क्या करेगा, ये हाइड्रोफिलिक हेड है ना, और वाटर क्या होता है, वाटर क्या है, पोलर है, तो ये पोलर एंड और वाटर भी पोलर है, अंदर क्या है, यहाँ पर वाटर है, तो होता क्या है, वाटर इस पोलर एंड को खींचता है, इंट्रैक्शन दिखाएगा, अट्रैक्शन दिखाएगा, तो ये क्या करेगा, जो नेगेटिव एंड है स्टार्टिंग में क्या होंगे, पानी के अंदर जाने लगेंगे, लेकिन जैसे जैसे आप कॉन्सेंट्रेशन को बढ़ाओगे तो पानी के बल्क में अंदर नेगेटिव चार्ज की कॉन्सेंट्रेशन बढ़ने लगेगी, मतलब नेगेटिव चार्ज बढ़ने लगेगा, और नेगेटिव चार्ज बढ़ने लगेगा तो उनमें होगा अब रिपल्सन, लोअर कॉन्सेंट्रेशन पे उतना रिपल्सन नहीं होता, लेकिन कॉन्सेंट्रेशन आप बढ़ाते जाओगे तो हायर कॉन्सेंट्रेशन पर बहुत सारे आपके सोप के मॉलिक्यूल इकट्ठे हो गए तो नेगेटिव चार्ज में अब होने वाला है रिपल्सन, और अगर अब रिपल्सन होगा तो वो रिपल्सन दूर होना चाहेगा, और रिपल्सन दूर कैसे होता है, ये अपने आप को कुछ इस तरीके से एडजस्ट करता है, ये जो सोप के मॉलिक्यूल हैं वो पानी में अपने आप को कुछ ऐसे एडजस्ट करते हैं कि रिपल्सन मिनिमम हो, और मिनिमम रिपल्सन वाला जो स्ट्रक्चर बनता है उसी को हम मिसेल बोलते हैं, तो वो मैं स्ट्रक्चर बना रहा हूँ मिनिमम रिपल्सन का क्या है। तो ये जो पानी के अंदर होता क्या है, एक स्फेरिकल शेप एक्वायर कर लेते हैं सोप के मॉलिक्यूल, किस तरीके से, कि हाइड्रोफिलिक पार्ट बाहर की तरफ रहे और हाइड्रोफोबिक पार्ट अंदर की तरफ रहे, मतलब कुछ इस तरीके से ये अरेंज हो जाते हैं, तो नेगेटिव चार्ज मैक्सिमम डिस्टेंस या मिनिमम रिपल्सन पर हो जाते हैं। तो ये सोप के मॉलिक्यूल अपने आप को कुछ ऐसे एडजस्ट करते हैं कि रिपल्सन क्या हो, मिनिमम हो, और मिनिमम रिपल्सन का मतलब ये कौन सी शेप एक्वायर कर लें, स्फेरिकल शेप एक्वायर कर लें, और इसी स्फेरिकल शेप वाले स्ट्रक्चर को हम बोलते हैं आयनिक मिसेल या मिसेल, समझ गया बात, आयनिक मिसेल। तो फिर से समझ लो पूरी कहानी मिसेल से रिलेटेड, मिसेल फॉर्मेशन कैसे होती है। सबसे पहला पॉइंट, मिसेल में होता क्या है, एक्चुअल में सोप के मॉलिक्यूल को हम पानी में डाल रहे हैं, सोप के मॉलिक्यूल क्या होते हैं, सोडियम सॉल्ट होते हैं या सॉल्ट ऑफ फैटी एसिड आप बोल दो, फैटी एसिड मतलब हायर कार्बोक्सिलिक एसिड के सॉल्ट। अब इस फैटी एसिड में दो चीज़ें होती हैं, हाइड्रोफोबिक टेल और हाइड्रोफिलिक हेड। हाइड्रोफोबिक मतलब सॉल्वेंट हीटिंग, मतलब वाटर हीटिंग, और हाइड्रोफिलिक मतलब सॉल्वेंट लविंग, वाटर लविंग। तो होता क्या है, जब इसको हम पानी में डालते हैं और कॉन्सेंट्रेशन क्रिटिकल मिसेल कॉन्सेंट्रेशन के ऊपर निकलती है तो मिसेल फॉर्मेशन होता है। स्टार्टिंग में क्या होता है, सोप के मॉलिक्यूल पानी के अंदर जाएंगे तो ये हाइड्रोफिलिक पार्ट है, वाटर लविंग है, तो पानी खींचेगा इसको अंदर, बल्क की तरफ, अंदर की तरफ खींचेगा, लेकिन जैसे जैसे कॉन्सेंट्रेशन बढ़ती जाएगी ये नेगेटिव चार्ज बल्क में जाएंगे तो बहुत सारे नेगेटिव में रिपल्सन होना स्टार्ट होगा। अब इस रिपल्सन को दूर करने के लिए सोप के मॉलिक्यूल कुछ ऐसी शेप एक्वायर कर लेंगे जो मिनिमम रिपल्सन की होगी, और ये स्फेरिकल शेप एक्वायर कर लेते हैं, और इसी स्फेरिकल शेप वाले स्ट्रक्चर को हम क्या बोलते हैं, आयनिक मिसेल बोलते हैं। ठीक है, ये हो गई कहानी मिसेल की। अब इसका यूज़ कहाँ पर होता है, आपको बहुत अच्छे से पता है, कपड़े धोने में यूज़ होता है इसका, क्लिनसिंग एक्शन ऑफ सोप आप जानते हो, उसी को हम समझेंगे अब, पहले आप इसको नोट कर लो फिर कपड़े धोएंगे। चलो आगे बढ़ते हैं, एप्लीकेशन देखो मिसेल फॉर्मेशन का कहाँ पर होता है, आप जानते हो क्लिनसिंग एक्शन ऑफ सोप कपड़े धोने में यूज़ करते हैं। होता क्या है, जो अपने पास ऑयल ड्रॉपलेट होती है कपड़े पर, जो गंदगी लगी होती है, जब हम उस पर साबुन लगाते हैं तो आप याद करो एक्चुअल में करते क्या हो, जब आप कपड़े धोते हो तो करते क्या हो, आप साबुन लगाते हो, तो साबुन को आप थोड़ी देर तक नहीं लगाते हो, मतलब आप थोड़ा टाइम लेते हो साबुन लगाने में, ऐसा नहीं कि आपने एक बार लगा दिया ऐसे एक बार हो गया साफ, ऐसा नहीं होता, आप क्या करते हो साबुन को घिसराई होते हो थोड़ी देर तक। ठीक है, तो एक्चुअल में आप टेक्निकली कर क्या रहे हो, वहाँ पर आप क्रिटिकल मिसेल कॉन्सेंट्रेशन तक पहुँच रहे हो, ऐसा नहीं कि एक बार साबुन लगाया तो सीएमसी अचीव हो जाएगी, आपने क्या करा सोप लगाया कपड़े पर जहाँ गंदगी लगी हुई है, आप थोड़ी देर तक उसको घिसते हो, इसका मतलब आप कर क्या रहे हो, कॉन्सेंट्रेशन बढ़ा रहे हो ताकि मिसेल बन जाए, तो आप टेक्निकली मिसेल बना रहे हो तो आपको पता नहीं है, लेकिन ऐसा होता है ना, आप एक्चुअल में मिसेल बना रहे हो वहाँ पर, और अगर आप मिसेल बना रहे हो तो जब मिसेल फॉर्मेशन हो जाता है उसके बाद पानी डालोगे तो गंदगी निकल जाती है, यही होता है। अब एक्चुअल में होता क्या है, पूरा का पूरा कहानी जो अभी बोली मैं लिख रहा हूँ, जो सोप मॉलिक्यूल हैं वो एक्चुअल में करते क्या हैं, सोप मॉलिक्यूल्स फॉर्म मिसेल्स इन ऑयल ड्रॉपलेट,
जो गंदगी है उसको अपन ऑयल ड्रॉपलेट बोल रहे हैं, ठीक है। इन सच अ वे दैट हाइड्रोफोबिक पार्ट इज प्रेजेंट इन द ड्रॉपलेट, इन द ऑयल ड्रॉपलेट एंड हाइड्रोफिलिक पार्ट अवे फ्रॉम ड्रॉपलेट। मतलब ये दूर की तरफ बनता है, मींस एक तरीके से हम क्या बोल सकते हैं, कुछ ऐसा होता है, अगर मैं आपको बना के बताऊं, जैसे ये मेरे पास कपड़ा है, ठीक है, ये मेरे पास कपड़ा हो गया और इस पर ऑयल ड्रॉपलेट मान लेते हैं अपन, ये हो गई अपने पास क्या ऑयल ड्रॉपलेट। अब आप इस पर क्या कर रहे हो, साबुन लगा रहे हो, तो ये आ गए सोप के मॉलिक्यूल दौड़ते हुए, ठीक है, ये आ गए मॉलिक्यूल, आप क्या कर रहे हो, ये सोप लगा रहे हो, मतलब आप क्या कर रहे हो, कॉन्सेंट्रेशन बढ़ा रहे हो, ठीक है। तो अब क्या होगा, ये जो सोप के मॉलिक्यूल हैं वो ऑयल ड्रॉपलेट के अंदर जाएंगे और मिसेल बना लेंगे। कैसे बना लेंगे, ये कपड़ा था और ऑयल ड्रॉपलेट अपनी ये हो गई, ऑयल ड्रॉपलेट अपनी ये हो गई, ठीक है, और इसने क्या करा, ऑयल ड्रॉपलेट के अंदर मिसेल ऐसे बना लिए कि अंदर की तरफ कौन सा पार्ट आया, अंदर की तरफ क्या आया हाइड्रोफोबिक और बाहर की तरफ क्या आया हाइड्रोफिलिक पार्ट आया, ठीक। यही कहानी मैंने यहाँ लिखी है कि जो हाइड्रोफिलिक पार्ट है वो अवे फ्रॉम द ड्रॉपलेट बनता है, मतलब बाहर की तरफ बनता है, आउटसाइड बनता है, ठीक है, और जो हाइड्रोफोबिक है वो अंदर की तरफ आता है। अब होता क्या है, आप जानते हो वाटर पोलर है, वाटर पोलर है और CO नेगेटिव वाला पार्ट क्या है, वाटर लविंग है, तो जैसे ही आप पानी डालते हो तो ये निकल जाता है, तो ये आपने पानी डाला, ये आया पानी, ठीक है, और ये क्या करेगा, मिसेल के साथ अलग कर देगा और ये आपकी सरफेस क्लीन हो गई। तो यहाँ पर सोप मॉलिक्यूल लग रहे थे, अगले स्टेप में मिसेल बनी और अगले स्टेप में साफ हो गया। मतलब पूरी कहानी ये है कि गंदगी पर आपने क्या करा, साबुन लगाया, मिसेल बनाई, पानी डाला, मिसेल के साथ ऑयल ड्रॉपलेट बाहर हो गई, ठीक है, ये पूरी कहानी है। तो वाटर क्या है, हाइड्रोफिलिक है, और वो क्या है, जो CO नेगेटिव पार्ट है वो क्या है, लायोफिलिक पार्ट है, हाइड्रोफिलिक पार्ट है, सॉल्वेंट लविंग पार्ट है, तो वो CO माइनस वाटर के साथ इंटरेक्ट करके उसको बाहर कर देगा। इस तरीके से कपड़े की सफाई होती है, समझ गया कपड़े कैसे साफ करते हैं, ठीक है। तो ये नोट कर लो, फिर अपन आगे बढ़ते हैं। चलो आगे बढ़ते हैं और मेथड ऑफ प्रिपरेशन ऑफ कोलॉइड के बारे में समझ लेते हैं, और ये कौन से वाले कोलॉइड की प्रिपरेशन हम कर रहे हैं, लायोफोबिक कोलॉइड्स की प्रिपरेशन कर रहे हैं, ठीक है। तो केमिकल मेथड में क्या होता है, केमिकल रिएक्शंस के थ्रू हम कोलॉइड को प्रिपेयर करते हैं। अब इसमें किस किस टाइप की रिएक्शन हो सकती है, डबल डिकम्पोजिशन, ऑक्सीडेशन, रिडक्शन, हाइड्रोलिसिस, सभी टाइप की रिएक्शन आप यहां पर ले सकते हो। तो होता क्या है, जो कोलॉइडल डिस्पर्जन बनता है वो केमिकल रिएक्शन के थ्रू बनता है। किस तरीके से, पहली रिएक्शन देखना आप, नंबर वन AS2O3 की रिएक्शन मैं करा रहा हूं H2S के साथ, तो इसमें क्या बनेगा AS2S3, ठीक है, ये सॉल्व लिख देता हूं मैं, क्योंकि यहां पर DP क्या है आपका सॉलिड और DM क्या है लिक्विड, ठीक है, और प्लस क्या बनेगा इसमें H2O। तो इस तरीके से कोलॉइडल सॉल्व बनाए जाते हैं केमिकल रिएक्शन से। इस रिएक्शन को बोलते हैं अपन डबल डीकम्पोजिशन, डबल डीकम्पोजिशन, ठीक है। इसी टाइप से और भी रिएक्शन होती हैं। सेकेंड नंबर पर मैं ले रहा हूं SO2 की रिएक्शन करा रहा हूं H2S के साथ, ठीक है, इसको हम बोलेंगे ऑक्सीडेशन, क्या बोलेंगे इसको, ऑक्सीडेशन। तो इसमें क्या होता है, SO2 और H2S की जब रिएक्शन होती है तो इसमें बनता है सल्फर सॉल, ठीक, और प्लस क्या बनेगा H2O। इसी तरीके से तीसरे नंबर पर एक रिएक्शन है, इसमें मैं ले रहा हूं AuCl3, ठीक है, प्लस HCHO और प्लस यहां ले रहा हूं मैं H2O। ये हो गया आपका रिडक्शन रिएक्शन, कौन सी रिडक्शन, AuCl3 क्या बना लेगा, गोल्ड सॉल, AU सॉल, ठीक है, और HCHO बना लेता है HCOOH और प्लस क्या बनता है इसमें HCl बनेगा, ठीक। इसी तरीके से फोर्थ नंबर पर मैं बात कर रहा हूं हाइड्रोलिसिस, तो FeCl3 की रिएक्शन किससे करा रहा हूं मैं, वाटर के साथ, तो ये कौन सी रिएक्शन है, हाइड्रोलाइसिस रिएक्शन है, ठीक है, और यहां पर क्या बनेगा FeOH होल थ्राइस सॉल और प्लस क्या बनेगा HCl। तो ये कुछ केमिकल रिएक्शंस होती हैं, और ये जो सॉल बन रहे हैं यहाँ पर, इनका जो पार्टिकल साइज है वो 1 से 1000 नैनोमीटर के बीच में रखते हैं अपन, ठीक है। तो बहुत इजी रिएक्शन है, आसानी से आप याद कर सकते हो, बहुत आसान रिएक्शन है।
सेकेंड नंबर पे चलते हैं इलेक्ट्रिकल डिस्पर्जन मेथड या फिर ब्रेडिक्स आर्क मेथड। तो ये क्या होता है, ये मेटल्स को जैसे आपका सिल्वर हो गया, गोल्ड हो गया, प्लेटिनम हो गया, इन सब मेटल्स का कोलाइडल सॉल्यूशन प्रिपेयर करने के लिए यूज करते हैं। क्या होता है यहां पर उसके बारे में हम बात कर रहे हैं ब्रेडिक्स आर्क मेथड में। एक काम करता हूं, मैं डायग्राम बना देता हूं फिर आपको क्लियरली समझा देता हूं, ठीक है। एक बार डायग्राम बना लेते हैं अच्छे से तो क्लियर फिर समझ में आ जाएगा। देखो क्या होता है, इसमें क्या होता है, एक बड़ा सा कंटेनर है, ठीक है, एक बड़ा सा कंटेनर है और उस कंटेनर में हम आइस बाथ देते हैं, ठीक है, मतलब आइस है एक तरीके से। तो ये एक बड़ा कंटेनर है, इसमें आइस बाथ दे रहे हैं अपन, वो अभी मैं बना दूंगा। और एक छोटा सा कंटेनर है, इसके अंदर एक छोटा कंटेनर भी रखा हुआ है, इस तरीके से बना देता हूं मैं। ध्यान से देखते जाना, आसानी से समझ में आ जाएगा। और यहां पर स्टैंड लगा हुआ है जिस पर यह छोटा कंटेनर रखा हुआ है, ठीक, इस तरीके से। इस छोटे वाले कंटेनर को अपन ने क्या करा, आइस बाथ दे दिया। आइस बाथ का मतलब क्या है, अपन ने यहां पर इसको आइस के अंदर रखा हुआ है, ठीक है। तो इस तरीके से मैं बना रहा हूं, ये क्या है, आइस बाथ, ठीक है, ये है आइस बाथ। और इसके अंदर यहां पर डिस्पर्जन मीडियम होता है और जिस भी मेटल का आपको कोलाइडर सॉल्यूशन प्रिपेयर करना है उसकी रॉड लगा देते हैं, मेटल की रॉड लगी होती है, ध्यान से देखना जरा। तो यहां पर मेटल की रॉड लगी होती है, तो यहां मैंने क्या किया, मेटल की रॉड्स लगा दी इस तरीके से। और पावर सप्लाई हम इसको दे रहे हैं, ठीक है, पॉजिटिव नेगेटिव कैथोड एनोड हो गए अपने ये। अब इसमें क्या है, होता क्या है, देखो प्रोसेस हम लिख रहे हैं पूरी की पूरी, क्या है, पहले मैं लिख देता हूं ये क्या है, ये मेटल की रॉड है, मेटल की रॉड, और ये क्या है, डिस्पर्जन मीडियम है डीएम, जिसका भी आपको सॉल्यूशन बनाना है। क्या प्रोसेस है पूरी की पूरी, नंबर वन पॉइंट ये है कि इट इन्वॉल्व्स डिस्पर्जन एज वेल एज कंडेंसेशन, दोनों प्रोसेस होती है, डिस्पर्जन भी होता है और कंडेंसेशन भी होता है। क्या होता है इसमें, पॉइंट नंबर टू में हम लिखेंगे, इन दिस मेथड an electric spark is struck between electrodes immersed in dispersion medium. The intense intense heat produced vaporizes the metal which then condenses to form particles of colloidal size। और किसके लिए यूज करते हैं ये, सिल्वर गोल्ड प्लेटिनम के लिए, ठीक है। तो थर्ड नंबर पे एग्जांपल लिख रहा हूं, ब्रेडिक्स आर्क मेथड सिल्वर गोल्ड प्लेटिनम ETC इनके लिए यूज करते हैं, ठीक है। आपसे क्वेश्चन पूछ लेंगे, विच ऑफ द फॉलोइंग कोलाइडल सॉल्यूशन इज प्रिपेयर्ड बाय ब्रेडिक आर्क मेथड, तो इन तीनों में से कोई एक ऑप्शन में होगा लगा देना। तो अब जो यहां पर डेफिनेशन लिखी इसको समझ लो क्या होता है। जैसे हम यहां पर इलेक्ट्रिसिटी को प्रोवाइड करते हैं, तो जैसे ही इलेक्ट्रिसिटी प्रोवाइड किया जाता है तो मेटल की रॉड है, ठीक है, इलेक्ट्रिक स्पार्क देने का मतलब इलेक्ट्रिसिटी देना, तो मेटल की रॉड जो है वहां से मेटल वेपराइज होता है और यहां पर आइस बाथ दे रखा है, तो मेटल जो वेपराइज हुआ मतलब एक तरीके से डिसइंटीग्रेट हो गया, मतलब टूट गया, तो उसका जो पार्टिकल साइज है वो कोलाइडल रेंज में आता है और वो नीचे की तरफ यहां पर सेटल हो जाएगा। तो जो मेटल का जब डिस्पर्जन होगा और कंडेंसेशन होगा तो उसके बाद
जो यहां पर पार्टिकल्स मिलेंगे वो कोलाइडल रेंज में मिलेंगे। तो यहां क्या बन जाएगा आपका, जो कोलाइडल सॉल्यूशन है वो प्रिपेयर हो जाएगा। किस लिए यूज करते हैं, सिल्वर गोल्ड और प्लेटिनम के लिए। ठीक है, समझ गए बात को। तो अभी तक दो मेथड हमने पढ़ी, मेथड ऑफ प्रिपरेशन, केमिकल मेथड, डबल डीकंपोजिशन, ऑक्सीडेशन रिडक्शन, हाइड्रोलिसिस, सिंपल केमिकल रिएक्शन के थ्रू बना सकते हो लाइफोबिक सॉल्व को। और दूसरा है, अगर आपको मेटल के सॉल्व बनाने हैं तो आप किस तरीके से बनाओगे, ब्रेडिक्स आर्क मेथड इसको बोलते हैं। क्या होता है, इसमें दो कंटेनर है, एक बड़ा कंटेनर एक छोटा कंटेनर। बड़े कंटेनर में आइस बाथ है, मतलब आइस भरी हुई है, और अंदर वाले कंटेनर में मेटल की रॉड है और डिस्पर्जन मीडियम है। अब डिस्पर्जन मीडियम पे भी डिपेंड करता है कि नाम क्या रखो। अगर ये पानी है तो हाइड्रोसॉल बोलेंगे, अगर ये अल्कोहल है तो अल्कोसॉल बोलेंगे। ठीक है, इस टाइप से होता है। और मेटल की रॉड लगी होती है। प्रोसेस में क्या होता है, इसमें डिस्पर्जन और कंडेंसेशन दोनों होता है। जैसे ही हम यहां पर इलेक्ट्रिक स्पार्क देते हैं तो मेटल ब्रेक होती है, डिसइंटीग्रेट होती है, वेपराइज होती है, और उसको हम कंडेंस कर लेते हैं, तो वो कोलाइडल साइज जो होता है, कोलाइडल का जो साइज है, कोलाइडल सॉल्यूशन का 1 से 1000 नैनोमीटर के बीच में, वो यहां पर नीचे सेटल डाउन हो जाता है। मतलब आपको सॉल्व मिल गया, मतलब कोलाइडल मिल गया। तो इस तरीके से होता है ये। इसको नोट करो, फिर अपन आगे चलते हैं पेप्टाइजेशन पर। चलो तो आगे बढ़ते हैं, थर्ड मेथड ऑफ प्रिपरेशन पर चलते हैं, पेप्टाइजेशन। बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान से देखना जरा, सारी चीजें अपन इसमें पढ़ेंगे। पेप्टाइजेशन एक्चुअल में क्या होता है, इसके बारे में लिखेंगे। तो पहला पॉइंट ये कहता है कि द कन्वर्जन ऑफ, या ऐसा बोलो प्रोसेस ऑफ कन्वर्टिंग प्रिसिपिटेट पीपीटी इंटू कोलाइडल सॉल्यूशन, PPT into colloidal solution in presence of peptizing agent with dispersion medium। मतलब क्या है, एक तरीके से जो freshly prepared PPT होता है उसको हम कन्वर्ट करते हैं किसमें, कोलाइडल सॉल्यूशन में, किसके, जो भी डिस्पर्जन मीडियम है उसके। क्या डालते हैं हम, इलेक्ट्रोलाइट मिलाते हैं। इलेक्ट्रोलाइट को हम क्या बोलते हैं, पेप्टाइजिंग एजेंट। ठीक है, स्मॉल अमाउंट ऑफ इलेक्ट्रोलाइट मिलाते हैं जिसको पेप्टाइजिंग एजेंट बोलते हैं, और विद द इन डिस्पर्जन मीडियम आप प्रिपेयर करते हो। ठीक, तो क्या होता है, जब पीपीटी बन चुका होता है, पेप्टाइजेशन की प्रोसेस होती है, तो जो पीपीटी बनता है वो एक आयन को एड्सॉर्ब करता है। ठीक है, और यूजुअली कॉमन आयन होता है, तो उसको वो एड्सॉर्ब करके या तो पॉजिटिव चार्ज क्रिएट करता है या नेगेटिव चार्ज। मतलब कोलाइडल पार्टिकल के पास कुछ चार्ज होता है, ये ध्यान रखना। तो सेकंड पॉइंट में ये लिख रहा हूं, ड्यूरिंग पेप्टाइजेशन द पीपीटी एड्सॉर्ब्स वन ऑफ द आयन, और यूजुअली कॉमन आयन होता है। ठीक है, यूजुअली कॉमन आयन, वन ऑफ द आयन ऑन इट्स सरफेस। दिस कॉजेस development of charge either positive or negative। ठीक है, तो कहानी क्या है, एक मेरे पास PPT बना हुआ है, उस PPT में क्या होता है, वो PPT जो भी common ion, usually common ion होता है, उसको absorb कर लेता है अपनी surface पर, और कोई charge particle बना लेता है, या तो वो positively charge होगा या नेगेटिवली चार्ज होगा। जैसे अब ये जो सारी कहानी लिखी है मैंने, उसको मैं एग्जांपल से बता रहा हूं। ठीक है, क्या एग्जांपल मैं ले रहा हूं, ध्यान से देखना, एक एग्जांपल से अपन समझ लेंगे सारी कहानियां। एग्जांपल ये है कि व्हेन डाइल्यूट सॉल्यूशन ऑफ सिल्वर नाइट्रेट AgNO3 इज एडेड टू डाइल्यूट सॉल्यूशन ऑफ एक्सेस के आई, ये एक्सेस में है। ठीक है, ये बहुत ज्यादा है, तो क्या होता है, किस टाइप का कोलाइडल पार्टिकल बनता है, उसके बारे में हम समझ रहे हैं। तो पहले तो रिएक्शन लिखो, AgNO3 KI के साथ क्या करेगा, रिएक्शन करेगा, और KI किस में है, एक्सेस में है। ठीक है, तो ये क्या बना लेगा,
आयन एक्सचेंज कर दो, पॉजिटिव को नेगेटिव से और नेगेटिव को पॉजिटिव से जोड़ दो, प्लस माइनस प्लस माइनस, इसका पॉजिटिव इसके नेगेटिव से और इसका पॉजिटिव इसके नेगेटिव से, तो AgI प्लस क्या बनेगा, KNO3 बनेगा, और AgI क्या होता है, PPT। अब इसका कन्वर्जन होगा कोलाइडल पार्टिकल में, कैसे हम कैसे दिखाते हैं इसको, वो देखो AgI के जो पार्टिकल हैं, जो इसकी सरफेस है, उसकी सरफेस पर कोई एक आयन एड्सॉर्ब होगा, और वो कौन सा आयन होगा जो कॉमन होगा, इससे हम मैच करा लेंगे, जैसे एक्सिस KI है ना, तो ये एक्सिस में है, तो इसमें K प्लस और I माइनस है, यहाँ AgI है तो Ag प्लस I माइनस है, कॉमन आयन कौन सा हो गया, I माइनस, मतलब AgI और ऐसी एक लेयर बनाते हैं I माइनस, ठीक है, ऐसा दिखाते हैं, तो इससे पता चलता है कि कौन सा चार्ज पार्टिकल है। तो मैं क्या बोलूंगा, जब सिल्वर नाइट्रेट एक्सिस KI के साथ रिएक्शन करेगा तो किस टाइप का चार्ज पार्टिकल बनेगा, किस टाइप का कोलोइड बनेगा, नेगेटिवली चार्ज कोलोइड बनेगा, ये तो मेरा आंसर हो गया कि कोलोइड का चार्ज क्या होगा। अब होता क्या है, जब AgI की सरफेस पर नेगेटिव चार्ज आ गया तो चार्ज बैलेंसिंग के लिए ये क्या करता है, सॉल्यूशन से पॉजिटिव आयन को अट्रैक्ट करता है अपनी तरफ, तो जो यहां पॉजिटिव आयन दिख रहा है एक्सिस में जो है क्या है, के प्लस, तो इसको क्या करेगा, अट्रैक्ट करेगा अपनी तरफ, अट्रैक्ट करेगा, इसका मतलब इस तरीके से दिखाते हैं अट्रैक्शन वाली लेयर, तो ये हो गया के प्लस। तो यहां पर दो लेयर हम बोलते हैं, एक ये लेयर, ये हो गई वन लेयर और ये टू लेयर, ठीक है, नाम क्या क्या है इसका, इसको हम एड्सॉर्प्शन लेयर बोलेंगे, एड्सॉर्प्शन लेयर क्योंकि सरफेस पर एड्सॉर्प्शन हो रहा है, और इसको बोलेंगे अट्रैक्शन लेयर, ये चार्ज बैलेंसिंग के लिए यूज हो रही है, और इस लेयर को बोलते हैं फिक्स्ड लेयर, फिक्स्ड लेयर, और इस लेयर को बोलते हैं मोबाइल, मोबाइल और डिफ्यूज लेयर, मोबाइल और डिफ्यूज लेयर, और इन दोनों लेयर के कॉम्बिनेशन को बोलते हैं हेल्म होल्ज डबल लेयर, इलेक्ट्रिकल डबल लेयर। तो मैं यहां पर लिख रहा हूं क्या, हेल्म होल्ज इलेक्ट्रिकल, इलेक्ट्रिकल डबल लेयर, ठीक है, ये क्या होती है, हेल्म होल्ज इलेक्ट्रिकल डबल लेयर क्या होती है, द कॉम्बिनेशन ऑफ फर्स्ट एंड सेकेंड लेयर, मतलब फिक्स्ड लेयर और मोबाइल लेयर, ठीक है, ये मैं फर्स्ट लेयर बोल रहा हूं और इसको सेकेंड लेयर, द कॉम्बिनेशन ऑफ फर्स्ट एंड सेकेंड लेयर इज कॉल्ड हेल्म होल्ज इलेक्ट्रिकल, इलेक्ट्रिकल डबल लेयर, डबल लेयर, ठीक है, तो इन दोनों के कॉम्बिनेशन को क्या बोलते हैं, हेल्म होल्ज इलेक्ट्रिकल डबल लेयर। अब होता क्या है, पहले लेयर पर मैं चार्ज बोल रहा हूं नेगेटिव और दूसरे लेयर से चार्ज जो आ रहा है वो पॉजिटिव, तो दो चार्ज आ गए, एक पॉजिटिव एक नेगेटिव, तो पोटेंशियल भी डेवलप होगा और इस पोटेंशियल डिफरेंस को बोलते हैं अपन जीटा पोटेंशियल या इलेक्ट्रोकाइनेटिक पोटेंशियल, ठीक है, तो मैं क्या लिख रहा हूं, जीटा पोटेंशियल, ये डेफिनेशन ध्यान रखना, ठीक है, आपको सरफेस केमिस्ट्री में कोई पोटेंशियल नहीं निकलवाने वाला है ना, जीटा पोटेंशियल और इलेक्ट्रोकाइनेटिक पोटेंशियल, ठीक है, तो कैसे डिफाइन करूंगा मैं इसको, ध्यान से देखना, जीटा पोटेंशियल और इलेक्ट्रोकाइनेटिक पोटेंशियल, मैं लिखूंगा द पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन फर्स्ट एंड सेकेंड लेयर, मतलब फिक्स लेयर और मोबाइल लेयर, इज कॉल्ड जीटा पोटेंशियल, ठीक है, या इलेक्ट्रोकाइनेटिक पोटेंशियल। तो सारी कहानी क्या है, फ्रेशली प्रिपेयर्ड जो PPT होता है वो कॉमन आयन, यूजुअली कॉमन आयन को एड्सॉर्ब करता है तो चार्ज पार्टिकल बनता है, कोलोइड पे चार्ज, उससे पता चलता है, किस लेयर से पता चलता है, फर्स्ट से, सेकंड से नहीं, फर्स्ट से पता चलता है। अब होता क्या है, जैसे उस पर कुछ चार्ज आया तो वो क्या करता है, अपोजिट चार्ज को अट्रैक्ट करता है, इसलिए अपन इसको एड्सॉर्प्शन लेयर, इसको अट्रैक्शन लेयर बोलते हैं, ये फिक्स होती है क्योंकि पर्टिकुलर एरिया में ही एड्सॉर्प्शन होगा, और ये मोबाइल लेयर मतलब ये घूमता रहेगा के प्लस उसके आसपास, उस चार्ज पार्टिकल के आसपास, ठीक है, इसलिए मोबाइल या डिफ्यूज लेयर बोलते हैं। इन दोनों लेयर के कॉम्बिनेशन को हेल्म होल्ज इलेक्ट्रिकल डबल लेयर बोलते हैं, और इन दोनों के बीच का जो पोटेंशियल डिफरेंस होता है लेयर वन और टू के बीच का, उसको जीटा पोटेंशियल या इलेक्ट्रोकाइनेटिक पोटेंशियल बोलते हैं, ठीक है। तो पेप्टाइजेशन में एक्चुअल में होता क्या है, जो हमारे पास पीपीटी बनता है, तो होता क्या है, वो पीपीटी सॉल्यूशन से एक आयन को एड्सॉर्ब करा लेता है। अब अगर कोई आयन एड्सॉर्ब हुआ
तो उसके ऊपर कोई पर्टिकुलर चार्ज होगा ना, तो अब क्या होगा पीपीटी के ऊपर चार्ज, सभी पीपीटी पार्टिकल जो बनेंगे उसके ऊपर क्या होगा, सेम चार्ज होगा भाई। एजीआई आई माइनस अगर बन गया तो सारे पार्टिकल के पास अब क्या है, नेगेटिव चार्ज है। नेगेटिव चार्ज है इसका मतलब वो दूर दूर रहेंगे, ठीक है। मतलब ऐसा एक सॉल्यूशन बन जाएगा जिसका साइज क्या होगा, पार्टिकल साइज कोलाइडल रेंज में आ जाएगा, क्योंकि वो थोड़ा दूर दूर हो जाएंगे, है ना। और वापस वो रिएक्ट नहीं करेंगे, क्यों, क्योंकि उनके ऊपर तो चार्ज सेम ही है ना, तो वो दोबारा रिएक्ट नहीं करेंगे, वो रिपेल करेंगे, ठीक है। तो ये कहानी हो गई पेप्टाइजेशन से रिलेटेड। आराम से सारी चीजें नोट कर लो, फिर अपन आगे बढ़ते हैं।